रूस ते यूक्रेन विचाले भयानक जंग जारी है। बंब धमाकियां नूं 100 घंटे तों वध दा समां बीत चुक्या, पर ना रूस रुक रहा ते ना ही यूक्रेन चुक रहा। रूसी हमले कारण हुण तक 14 बच्चों समेत 350 तों वध लोकां दी जान जा चुकी है। हालांकि जंग दरमियान पहली बार रूस ते यूक्रेन बेलारूस च गलबात दी मेज उत्ते पहुंच गए ने। जानकारी मुताबक रूस सीजफायर की शर्त उत्ते अड़िया है, जदों कि यूक्रेन की शर्त है कि पहला रूस अपनी फौजी कार्रवाई वापस लाए। यूक्रेन उत्ते हमले कारण रूस चारे पासे तों घिरता जा रहा है। यूरोप ते कनेडा वालों पहला ही रूसी एयरलाइंस लई अपने हवाई खेतर बंद कर दिए गए ने। इस तों इलावा रूस लई हुण नवीं चुनौती यह बनती जा रही है कि अमरीका आस्ट्रेलिया समेत कई देश यूक्रेन की मदद लई अगे आउण लगे ने। जानकारी के मुताबक सोमवार को इन देशों ने यूक्रेन लई कई तरह के हथियार भी भेजे ने। इस विचाले यह भी खबर आई है कि रूस यूक्रेन के राष्ट्रपति की हत्या करने के फिराक भी है। दसिया जा रहा है कि राजधानी कीव च 400 रूसी हथियारबंद मौजूद ने, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की हत्या करने लई भेजे गए ने। इस जंग दौरान रूस वालों अपने परमाणु दस्ते के अभ्यास करने का भी दावा किया गया है। खैर, उधर यूक्रेन ने भी साफ कर दिता है कि भावे रूस न गलबात शुरू हो चुकी है, पर यूक्रेन ना तो आत्म समर्पण करेगा ते ना ही अपनी जमीन का एक इंच छड़ेगा। इस दे नाल ही यूक्रेन ने यह भी चेतावनी दी है कि जेकर रूस ने परमाणु हथियार की वरतों की तो दुनिया च तबाही होगी। यूक्रेन ते हमले की निंदा दुनिया भर च हो रही है। अमरीका जवाज के यूक्रेनी नागरिकों ने व्हाइट हाउस के बाहर रैली की है, इस मुश्किल घड़ी च यूक्रेन का साथ देने की अपील की। अमरीका ने रूस से बेशक पाबंदियां लाइया ने, पर इस तो पहला जंग च उसने अपनी फौज भेजण तो इनकार कर दिता सी। अमरीका च वसदे यूक्रेनी नागरिक अपने मुल्क की अजिही हालत वेख के बेहद दुखी ने, दुनिया भर के मुल्कों तो यूक्रेन का साथ देने की अपील कर रहे हैं।